समर स्पेशल कच्चे आम की बहुत ही टेस्टी और हेल्दी सा ड्रिंक जिसे झटपट बनाएंगे और साथ ही मैं दिखाऊंगी आपको स्टोर करने का तरीका जिससे आप अगली बार भी बहुत ही आसानी से इंस्टेंट ड्रिंक बना सकते हैं। तो वेलकम है आपका समर्स किचन में। यहाँ पर मैंने दो कच्चे आम लिए हैं और अभी बहुत बढ़िया कच्चे आम आ रहे हैं, तो इनको हम छील करके छोटे छोटे टुकड़ों में काट लेंगे। और आपकी लैंग्वेज में कच्चे आम को क्या कहते हैं ज़रूर मुझे कमेंट करके बताइएगा, और साथ ही साथ मुझे ये भी बता दीजिए कि आप कहाँ से वीडियो देख रहे हैं जिससे मैं आपको शुक्रिया बोल सकूं। तो अभी एक ग्राइंडिंग जार में डाल देंगे, इसमें कोई कुकिंग की ज़रूरत नहीं है, बहुत ही इंस्टेंट बढ़िया सी रेसिपी है। एक मिर्च लिया है जो कि ऑप्शनल है, छोटे टुकड़े अदरक के, और इसके साथ ढेर सारा पुदीना। तो पुदीने को अच्छी तरह से धो करके साफ़ करके लेंगे, और पुदीना डालने के बाद इसमें मैंने डाला है एक चम्मच भुना हुआ ज़ीरा, एक चम्मच चाट मसाला, एक चम्मच काला नमक, और यहाँ पर है मेरे पास अनरिफाइंड शुगर जिसको कि हम खांड भी कहते हैं। ये हेल्दी होती है, तो आपके पास अगर है तो ये ले लें, नहीं तो फिर आप कोई सी भी शुगर यूज़ कर सकते हैं। आइस क्यूब्स डाल देंगे और एक नींबू का रस निचोड़ देंगे। सभी बहुत ही हेल्दी चीज़ें हैं, आसानी से अवेलेबल है मार्केट में, आप इनको घर में भी होती हैं हमारे, तो ये सारी चीज़ें लेकर के हम इसको ग्राइंड कर लेंगे। तो पानी की ज़रूरत है इसलिए पानी डाल करके मैं करूँगी, मैं पानी डालना भूल गई थी। तो पानी डाल करके इसका एक बारीक सा पेस्ट बना लेना है। बारीक इसलिए बनाएंगे जिससे हमें बाद में छानना ना पड़े। तो ये गर्मियों के लिए बहुत ही बढ़िया, बहुत हेल्दी एनर्जी गिविंग ड्रिंक है और बहुत ही टेस्टी भी है, तो ज़रूर इसको बना के देखिएगा, आपको पसंद आएगा। तो ये बढ़िया सा फाइन पेस्ट हो गया है तैयार। अभी मैंने एक प्लेट में कश्मीरी लाल मिर्च ली है, साथ में काला नमक और एक खांड वाला पाउडर है, यानी कि आप शुगर पाउडर भी ले सकते हैं, और इन सभी चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। तो अब थोड़ा सा प्रेजेंटेबल बनाने के लिए इसको हम अच्छे से ग्लास को डेकोरेट करेंगे। तो नींबू ले लेंगे कटा हुआ और इस तरह से इसमें रस लगा देंगे, और ग्लास की रिम पर इसको ऐसे स्क्वीज़ करेंगे थोड़े से रस को, और उसके बाद इस पर लगा देंगे। तो जब आप ड्रिंक पियेंगे तो इसका खट्टा मीठा सा टेस्ट जो आएगा तो बहुत ही बढ़िया लगेगा। अब ग्लासेस में आइस डालेंगे और ये जो पेस्ट बनाया है तो इसको दो चम्मच बड़े चम्मच भर के डाल देंगे। बस ठंडा पानी डालिए। इस ड्रिंक को आप बच्चों को दीजिए जब वो खेल के आएँ या स्कूल से आएँ या फिर मेहमान हैं, तब आप उनको सर्व करिए। बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही टेस्टी सा ड्रिंक बनकर के तैयार हुआ है। तो आप चाहें तो इसमें ऊपर से थोड़ा सा नींबू का फ्रेश जूस और भी स्क्वीज़ कर सकते हैं, दैट इज़ अप टू यू। और ये बहुत ही टेस्टी और एनर्जी गिविंग ड्रिंक हमारा बनकर तैयार हो गया है। अब चलिए देख लेते हैं इसको स्टोर कैसे करना है। तो बाकी बचा जो पेस्ट है इसको ये आइस ट्रे में डाल करके आप फ्रीज कर लें ओवरनाइट या 3-4 घंटे, और उसके बाद इन क्यूब्स को रख लें और महीनों तक इसको आप इस ड्रिंक को इंजॉय कर सकते हैं। तो ये देखिए क्यूब्स हो गए हैं तैयार। अब मैं दिखाती हूँ आपको इसको कैसे बनाना है। बस 3-4 क्यूब्स आप डालें और उसके बाद ठंडा पानी उसमें डालें और इसको घोल लें, तो ये तैयार हो जाएगा इंस्टेंट ड्रिंक। तो अगली बार जब आप बना के रख लेंगे तो बिल्कुल मिनटों में बहुत हेल्दी और रिफ्रेशिंग ड्रिंक आप तैयार कर सकते हैं। तो इस ड्रिंक को आप क्या नाम देना पसंद करेंगे, आम पन्ना, इंस्टेंट आम पन्ना, या फिर मैंगो जूस, जो भी आप कहें मुझे बताइएगा ज़रूर कैसी लगी ये रेसिपी। और टेस्ट में ज़बरदस्त है, हेल्दी है, ज़रूर ट्राई करिएगा। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये रेसिपी पसंद आई होगी। ऐसी मज़ेदार और बहुत आसान सी रेसिपीज़ लेकर के मैं डेली समर्स किचन में आती हूँ, तो देखते रहिए समर्स किचन। थैंक यू सो मच।